हाय दोस्तों, एक बार फिर पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि गुणनखंड कैसे किया जाता है द्विघात बहुपद का, यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फैक्टर कैसे किया जाता है। वहां हमने बताया था कि रूट वाला और विदाउट रूट वाला क्वेश्चन कैसे कॉमन लेके सॉल्व किया जाता है। वहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो था वो रूट में था। आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, जिस क्वेश्चंस की बात करें, जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, है तो पर फैक्टर वाला ही, बस क्वेश्चन का तरीका चेंज, टाइप चेंज हो गया है। ऐसे बोल सकते हैं नेक्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन, टाइप अलग चेंज हो गया है। और उस टाइप का इसे टाइप क्वेश्चन लिखें तो हो जाएगा आपका। क्वेश्चन लिख देते हैं थोड़ा सा, 7x² प्लस 2√14x एंड प्लस 2। बस क्वेश्चन लेते हैं 7x² प्लस 2√14x प्लस 2। सही, जैसा कि हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर कोफिशियंट यहां पे 7 है, मिस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो हो जाएगा आपका 14। अब 14 कैसे 2 पार्ट में मल्टीप्लाई कीजिए, या ऐसे 2 पार्ट में फैक्टर कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर 14 हो जाए, ऐड या सबट्रैक्ट करने पर 2√14 हो जाए। तो यहां थोड़ा सा देखेंगे कि 14 का फैक्टर तो कई सारे होते हैं। 2 7 भी होता है, 41 होता है, ये चीजें हैं। बट देखिए क्या इन दोनों को ऐड करने पर 2√14 आ रहा है। यहां पर 2 + 7 9 आएगा, 14 + 1 15 आ जाएगा, सबट्रैक्ट करने पर भी नहीं आएगा, तो क्या करेंगे। तो इन दोनों पेयर में से हम एक ऐसा पेयर चूज करेंगे जिसमें यह रूट वाली वैल्यू आती हो। नो माइंड, ये कोई बात मायने नहीं रखती कि रूट में है या नहीं है, बट जो रूट में वैल्यू है 14 हुआ, उसमें उस फैक्टर में आनी चाहिए। देख रहे हैं कि यहां फर्स्ट वाले फैक्टर में 2 और 7 आ रहा है, 14 नहीं आ रहा है कहीं भी एक जगह, लेकिन सेकेंड वाले फैक्टर में आपका 14 + 1 आ रहा है। मतलब इसके आगे हम फैक्टर कर सकते हैं 14 का, बट इसके आगे फैक्टर हम नहीं कर सकते। तो जो मेरा फर्स्ट वाला पेयर होगा ये रॉन्ग हो जाएगा, और जो मेरा सही वाला पेयर होगा वो जाएगा 14 and 1। यहां देखेंगे कि चलिए पेयर तो हमने चूज कर लिया कि 14 and 1 होगा, बट इसको √14 आएगा कैसे। जैसा कि हम जानते हैं कि सेम वैल्यू हो रूट में और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रूट से बाहर आ जाती है, मीन्स ये रूट से बाहर है। इसलिए हम शायद इसको ऐसे कर दें √14 and √14, देन इसका मल्टीप्लाई करें हम तो √14 × √14 ब्रैकेट से बाहर आएगा, हो जाएगा 14। और इन दोनों के लिए हम ऐड कर लें, इसको 1 के साथ ले लें, इसको अकेले ही छोड़ दें, तो √14 + 1√14 इस ब्रैकेट के सामने कुछ नहीं बट 1 मान लेते हैं, तो 1√14 + 1√14 ये हो जाएगा 2√14। मीन्स जो हम चाहते थे वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई करने पर 14, ऐड करने पर 2√14। इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7x² प्लस √14x। 1 आप चाहे तो यहां 1 लगा सकते हैं या फिर चाहे तो ना लगा सकते हैं, लगा देते हैं कंफ्यूजन ना हो, 1 1 हो जाएगा, प्लस 1√14x प्लस 2। यहां 4 टर्म आ गया, दो दो का पेयर बना लेते हैं। यहां दिख रहा है कि इस पेयर में क्या कॉमन है, फर्स्ट वाले पेयर में क्या कॉमन है। दिख रहा है कि यहां x स्क्वायर है, यहां x मींस x कॉमन है,
यहां 7 है, यहां तो 7 है ही नहीं, तो कैसे कॉमन करें? कोई बात नहीं, आप 7x कॉमन ले लें, ना समझ में आए तो 7x कॉमन ले लें, अंदर जो होगा देखा जाएगा। 7x कॉमन ले लिए मींस अंदर हम 7x से डिवाइड करेंगे, 7x स्क्वायर अपॉन प्लस 7x कॉमन है, 7x स्क्वायर अपॉन 7x प्लस 1√14x, 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपॉन 7x प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां तो x है, यहां x भी नहीं है, यहां √14 है, यहां √14 भी नहीं है, क्या कॉमन है? यदि ऐसे प्रॉब्लम फंस जाती है तो पहले आप जो पहले कॉमन लिया ब्रैकेट में इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लें, यहां अपने आप पता चल जाएगा आपको कि क्या कॉमन है। चलिए तो पहले इस वाले स्टेप को आगे सॉल्व कर लेते हैं फिर यहां चलेंगे। यहां आपका कॉमन है 7 से 7 कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर, x से x स्क्वायर कट गया, बचे आपका x, x से x कट गया, देन बचेगा क्या 7x, x प्लस √14 अपॉन 7। चीज मींस जो मेरे नेक्स्ट ब्रैकेट में आनी चाहिए वो आपका x प्लस √14 अपॉन 7 आना चाहिए, बट यहां पर √14 दिख ही नहीं रहा है, कैसे आएगा? तो देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि जो पहला टर्म है वो आपका x आना चाहिए, मींस यहां से x आएगा कैसे, यदि हम प्लस √14 कॉमन ले लें तो मींस अंदर हम क्या कर रहे हैं, √14 x में √14 से डिवाइड कर रहे हैं, और तब यहां भी 2 अपॉन √14 से डिवाइड कर रहे हैं, √14 से √14 कट जाएगा, ये बच जाएगा √14 ब्रैकेट में x प्लस 2 अपॉन √14। अब दोनों ब्रैकेट में अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं, इन दोनों चीजों को सेम करना होगा, इन दोनों चीजों को सेम करने के लिए हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि रेशनलाइज का सहायता लें, परिमेयकरण करें, परिमेयकरण करें, किसका परिमेयकरण करें, देख रहे हैं इसका तो परिमेयकरण करेंगे नहीं, इस चीज का परिमेयकरण करेंगे, तो शायद हम इसका परिमेयकरण करें तो यह पहले वाली चीज आ जाए √14/7 आ जाए, देखते हैं परिमेयकरण करके 2/√14 का परिमेयकरण करेंगे ये हो जाएगा √14 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी और √14 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी, तो यह हो जाएगा आपका 2/√14/14 में 2 × 2 × 2 × 7 × 14, यानी हम इसको लिख सकते हैं √14/7, मतलब जो ये चीज लिखा हुआ है 2/√14 यह कुछ √14/7 के इक्वल है, इसको देख लें ये √14/7 जो चीजें लिखी हुई है √14/7 शायद कुछ ये भी वही चीज लिखी हुई है, तो हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस √14/7 √14 कॉमन x प्लस √14/7, इन दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें हैं, इसको कॉमन कर सकते हैं, ध्यान दें कॉमन वही चीजें होती हैं जो यहां दोनों में दिखाई दे रही है, जबकि हमने यहां कॉमन लिया, पहले कॉमन ले लिया बाद में डिवाइड किया अंदर, जिससे आपका यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, यहाँ पर चीजें दोनों एक ही चीज दिखाई दे रही है दोनों में, यहाँ x प्लस √14/7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी डायरेक्ट दिख रहा है, तो हम बाहर निकालेंगे अंदर बच जाएगा 7x प्लस √14, या अगर आप x 7x² प्लस 2√14x प्लस √2 का प्लस 2 का फैक्टर, यहां एक बार फिर देख लेते हैं हुआ क्या, x स्क्वायर के कोफिशिएंट 7 से मल्टीप्लाई किया हमने 2 में आ गया 14, 14 का हमने ऐसा पेयर सर्च किया जिसमें मल्टीप्लाई करने पर 14 हो जाए, ऐड या सबट्रैक्ट करने पर 2√14 हो जाए, तो हम ऐसा पेयर सर्च करेंगे
जिसमें इस रूट की वैल्यू हो। हमें पेयर मिला 14 × 1, 14 को हमने टू पार्ट में टूट दिया, फैक्टर कर दिया, रूट 14 एंड रूट 14 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, और दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2√14। मींस मेरी यह वैल्यू आ रही है, हमने इस वैल्यू को उठाकर के पुट कर दिया यहाँ पे, 7x² प्लस 1√14। आप यहाँ 1 लिखे या ना लिखे सेम चीज, एक ही चीज है, प्लस 1√14x प्लस 2। इन दोनों चीजों में हमने 7x कॉमन ले लिया, कॉमन लिया मीन्स अंदर हम उस चीज से डिवाइड कर रहे हैं 7x से, 7x² / 7x प्लस √14x / 7x प्लस यहां से हमने √14 का मान लिया, अंदर क्या बचा √14x / √14 प्लस 2/14, जिसमें कॉमन नहीं होता है, जो चीज उसमें नहीं दिखती है, यदि आप उस चीज को कॉमन ले चुके हो मतलब कुछ चीज से वहां डिवाइड कर दीजिए। यहां हमने वही चीज किया, यहां √14 नहीं दिख रहा था, हमने कॉमन लिया मतलब अंदर उस चीज को हमने डिवाइड कर दिया। यहां 7 से 7 x² कटा, बचा x कट गया, √14 कट गया। इसको हमने रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने के बाद हमने पाया कि 2/√14 की वैल्यू ही क्या है, √14/7 एक ही है, तो हमने √14/7 कर दिया, दोनों में x प्लस √14/7 कॉमन ले लिया, नेक्स्ट ब्रैकेट में 7x प्लस √14 बच गया। इस पर और भी सारे क्वेश्चन बनते हैं, और भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन, और इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट तो है नहीं, बस हमने आपको एक तरीका ये बताने के लिए वीडियो बनाया, इस चीज के बारे में आप जान जाए। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसी बेस पे होते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि लिख लेते हैं 3x² क्वेश्चन को ये लेते हैं, जिसमें मान लीजिए यहाँ लिख लेते हैं प्लस 8 और √3x यहाँ 6 सही है 6√3x ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन लिखा है 3x² प्लस 6√3x प्लस 8 सॉल्व करेंगे तो x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, तो ये हो जाएगा आपका 3√8 यानी 24 को हम फैक्टर करेंगे तो 24 का पेयर तो कई सारा बन जाएगा, आप फैक्टर ऐसे भी कर लें एलसीएम लेकर के, तो 2 12 2 6 2 3 and 3 1 मीन्स 2 2 and 2 in 3, 2 2 4 8 3 24। अब प्रॉब्लम ये है कि हम पेयर क्या क्या लिखें कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए और ऐड करने पर 6√3 आ जाए, यहाँ प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हुई। तो जैसा कि हमको पता चल गया कि 2 × 2 × 2 × 2 आया है 3, उसको मिटा देते हैं, मेरे पास आया था 2 × 2 × 2 × 3। यदि हम पेयर देख लें तो बहुत सारा पेयर बन सकता है, पेयर ये भी बन सकता है कि 2 2 = 4 and 2 3 = 6, 6 4 = 24, बट क्या 6√3 आएगा, नहीं आएगा, फिर मतलब ये पेयर में गलत है। नेक्स्ट टाइम फिर पेयर सर्च करेंगे 2 2 = 4 2 = 8 and 3 मींस 8 और 3 का पेयर भी बन सकता है, 8 3 = 24, बट 8 और 3 क्या 6√3 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। आगे और भी पेयर बन सकता है 3 2 = 6 2 = 12 and 2 2 10 24 and 2 12 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा, मतलब किसी तरीके से ये पेयर नहीं बन रहा है।
तो हमने जैसे आप किसी पहले वीडियो में बताया था, पहले क्वेश्चन में बताया था कि हम पेयर उसी को लेते हैं जिसमें इस रूट वाली की वैल्यू हो। रूट वाली वैल्यू क्या है? 3। तो देखिए हमको दिख क्या रहा है, डायरेक्ट 3 तो हमको दिख रहा है, सेकेंड वाली पेयर में डायरेक्ट 3 दिख रहा है। तो बाकी ये जो पेयर है हम इसको नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम बीच वाला पेयर लेंगे, ये 10 3, मतलब ये मेरा परफेक्ट पेयर है भाई। परफेक्ट पेयर है कैसे देख लेते हैं। तो परफेक्ट पेयर ये इसलिए है क्योंकि मैं 3 को चेंज कर सकता हूं किसमें, √3 यहां भी, √3 यहां भी, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा। √3 यहां भी कर सकते हैं और √3 यहां भी कर सकते हैं। फिर चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व है भाई कि √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, बट एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई कि 6√3 आएगा, ये कैसे होगा। इसके लिए फिर आपको एक पेयर फिर सर्च करना पड़ेगा, इस 8 में, इस 8 का ऐसा कौन सा पेयर बनाएं, ऐसा कौन सा जोड़ा बना लें कि यह 6√3 हो जाए। तो देखिए 8 को यदि लिखोगे आप ऐसे लिख सकते हैं 2 and 4, 4 2 8, और आपका पेयर भी कंप्लीट हो गया, 4√3 and 2√3 मिल गया, मिल गया आपको। ये हो गया 4√3 and 2√3, दो पेयर मिला आपको। यदि इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, 4 2 8 एंड √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3, मींस 8 3 24। ये पेयर मेरा अब तक का सही पेयर है। इन दोनों को ऐड करते हैं, 4√3 plus 2√3 ऐड करने पर क्या आएगा, 4√3 and 2√3, ये हो जाएगा आपका 6√3। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि √3 √3 कैसे ऐड करें, तो आप √3 को कोई वस्तु मान सकते हो, मान लीजिए बैग ले लेते हैं, तो यदि √3 को आप बैग मान लेते हो इस तरह, तो 4 बैग प्लस 2 बैग कितना हो जाएगा आपका, 6 बैग। ये चीजें आप ऐसे मान सकते हैं, सिर्फ बैक की जगह हमने क्या कर दिया, √3 कर दिया। तो कई बच्चों को कंफ्यूज होता है रूट का मल्टीप्लाई और ऐड करने में, तो आप ऐसे समझ सकते हो, कोई एक वस्तु मान लीजिए और उसको ऐड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका हो जाएगा। इसे मिटाते हैं। हमने देखा कि मुझे दो परफेक्ट पेयर मिला, एक मिला 4√3 और एक मिला 2√3। यहां हम लिखते हैं उस पेयर को 3x² + 6√3 इसको लिखते हैं 4√3x, एक आ जाएगा और वहां से हो जाएगा आपका 2√3x + 8। अब आपको कॉमन लेना है, देखना है कि कौन सा चीज कॉमन ले दोनों में कि मेरा फैक्टर बन जाए। मेरा सोचे समझे लगातार दो पेयर ले ले, दो दो टर्म का पेयर बना ले। यहां आप सोचिए हमको यहां x लाना है, x लाना है, क्या कॉमन करें, तब टोटल कॉमन कर लीजिए, 3x ले लीजिए। ये देखिए यहां है या नहीं बाद में देखा जाएगा, आप यहां x लाने के लिए 3x कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेने का मतलब यह हुआ कि अंदर हम उसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं, अंदर जब डिवाइड करेंगे तो 3x² + 3x, ध्यान दें हम +3x कॉमन लिए, क्योंकि अब तक जितना भी क्वेश्चन लिखा हम संयोग से सभी क्वेश्चन से सिर्फ प्लस ही आ रहे हैं। यदि बाय चांस माइनस भी को आ जाएगा तो हम आगे सॉल्व क्वेश्चन बता देंगे जिसमें माइनस लेकर सॉल्व किया जाएगा, फिलहाल हम प्लस में सॉल्व कर लेते हैं, आगे माइनस वाली प्रॉब्लम में देख लिया जाएगा। +3x कॉमन ले रहे हैं, यहां भी चीजें हैं 4√3x / 3x। यहां हमने क्या किया, x लाने के लिए कॉमन लिया ना 3x, यहां भी हमको x लाना है, मींस हम क्या कॉमन करेंगे, x आ जाएगा, हम देख रहे हैं 2√3 को ही हटा देते हैं, 2√3 को ही हटा देते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, डिवाइड इसी चीज से 2√3x / 2√3, जो चीज कॉमन ली उसी चीज से डिवाइड किए, फिर प्लस 8/2√3। फिर देखेंगे कि यहां पे 3 से 3 कटा, x से x स्क्वायर कटा, बचा x, x से x कटा, यहां पर देखिए 2√3 से 2√3 कटा,
अब इसको देख ले, काट देंगे तो 2 4 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, मीन्स 3x यदि हम काम बाहर लिखते हैं तो अंदर बच जाएगा आपका x प्लस 4√3/3, ठीक है, प्लस 2√3, यहां हो जाएगा x प्लस 4√3। अब देखने में दोनों चीजें अलग अलग दिख रही हैं, दोनों चीजें अलग अलग दिख रही हैं, बट है सेम चीजें। अब हम कोशिश करेंगे किसी एक को आपस में बदल दे, जो आपको आसान लगे वो करिए। प्रोसेस तो ये भी है कि आप चाहो तो 3 को √3/√3 में चेंज करके 1√3 से √3 काट दें, अपने आप ही आ जाएगा चीजें। ऐसे देख लेते हैं, बता देते हैं, जैसे मान लीजिए हम 4√3 को सॉल्व करें, हम इसको ऐसे लिखें, या फिर 4√3/√3 × √3 कर लें, √3 से √3 काट दें, ये हो जाएगा आपका 4√3, वही चीज आ गई। बट मैं आपको एक अलग अलग चीजें बताना चाहता हूं जिससे आपको एक चीज और क्लियर हो जाए, परिमेयकरण वाला चीजें, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। बस जो मैं बता रहा हूं उसको सॉल्व करके उससे आपको परिमेयकरण वाली चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, दो कॉन्सेप्ट आपको यहां से मिल जाएगा, ऐसे सॉल्व हो सकता है। यहां देखिए 4√3 दिया हुआ है, इसके यदि हम परिमेयकरण कर लें तो परिमेयकरण करेंगे तो ये आपका √3/√3, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा 4√3/√3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3। मींस देखिए जो फर्स्ट ब्रैकेट में था वही चीज आ गई यहाँ पे 4√3/3। मींस आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं जो आपके दिमाग में पहले आ जाए, आपका माइंड किसको पहले कैच करता है आप उसको देख ले, गलत कोई भी नहीं है, दोनों चीजें सेम है। यहां देखते हैं 3x x + 4√3/3 + 2√3x + 4√3/3, ये चीजें आ गई, दोनों चीजें सेम है, एक ब्रैकेट में x प्लस 4√3/3, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x + 2√3, ये आपका फैक्टर हो जाएगा। ये हमने कैसे बताया, इस चीज को समराइज करके बताया। बाय चांस यदि आप समराइज नहीं करते हो तब देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा इस चीज को चेंज करूंगा। अभी हमने क्या किया, 4√3 को चेंज किया, अब हम क्या करेंगे 4√3/3 को चेंज करके देखेंगे क्या आंसर आता है। देखिए 3x x + 4√3/√3 × √3 √3x + 4√3, यहां √3 से √3 कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3x(√3) + 2(3x + 4√3). ऐसे हम देखते हैं कि दोनों में एक चीज आ गया x + 4√3 एंड देन 3x + 2√3, दोनों आपका आंसर सेम ही होगा, बस दिखेगा अलग अलग। आज हमने देखा कि जो रूट वाला क्वेश्चन होता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे मेन बात होती है इसमें आपको फैक्टर का पेयर बनाना, या पेयर कैसे बना रहे हो आप। यहां हमने देखा कि 24 आया था, 24 का हमने पेयर बनाया, 2-3 पेयर बनाया था, यहां मुझे परफेक्ट पेयर मिला 8 और 3। क्यों 8 और 3 लिया हमने, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ जो रूट में है वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए, काफी हमको आसानी से मिल जाए। हमने 8 और 3 लिया, 3 को 2 पार्ट में तोड़ा, 1 3 को तोड़ा √3 में, इसको तोड़ा √3 में, क्यों, क्योंकि जब √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। फिर हमने 8 को तोड़ लिया 4 और 2 में, ये 4 यहाँ भी आ सकता है, ये 2 यहाँ भी आ सकता है, नो डाउट कोई भी कहीं भी रहेगा, आंसर आपका सेम आएगा। दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने, 4 2 8, 3 का 3 में होगा तो 3 8 3 24, दोनों को हमने ऐड किया 4√3 + 2√3, 4√3 और 2√3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 6√3। वैल्यू पुट किया,
हमने कॉमन लिया 3x कॉमन ले लिया, तो यहां से बच गया आपका 3x² / 3x डिवाइड प्लस यहां भी डिवाइड, यहां पर हमने 2√3 कॉमन लिया, अंदर दोनों टर्म में 2√3 से डिवाइड हुआ, 3 से 3 कटा, x से x² कट गया, बच गया x, x से x कट गया, यहां पर 2√3 से 2√3 कट गया, 2 से 8 कटा 4, हमको ये मिला। यहां पर जैसा हमने बताया कि दो मेथड है, आप चाहो तो इसको समराइज करके चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो इसको फैक्टर द्वारा सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीके से आपका आंसर जो आएगा वो दोनों ही सही होगा। जैसा कि हमने देखा कि यहां क्वेश्चंस हैं, आप अपने से क्वेश्चंस बना भी सकते हो, बट उसके लिए आपके पास थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, आप खुद से ट्राई कीजिएगा इसको आप लोग, फिर देखिएगा क्या आपका उसी सही आ रही है, इस मेथड से अप्लाई कीजिएगा चीजें। क्वेश्चंस मैं लिख दे रहा हूं, जैसे कि 2x² + मैं लिख देता हूं यहां पे डायरेक्ट, मैं लिख दूं 2 6 12 और यहां लिख दिए हम √3x 12 4√3 ऐसे चले, ठीक है हो जाएगा ये चीजें। अपने बारे में चलिए आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ऐसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप भी बना सकते हो। क्वेश्चन बनाने का आइडिया क्या कि पहले आप पता कर ले कि जैसे मान लीजिए आप यहां पे लिख रहे हो पहला क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, दूसरा क्वेश्चन आप लिख रहे हो मान लीजिए आप यहां लिख दिए 4x² और दिमाग में सोच लीजिए कोई सी एक टेबल, मान लीजिए कि 4 7 = 28 आप यहां लिख लीजिए 4 7 = 28 फिर देखिए 28 मान लीजिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 7 = 28 देखिए कैसे बन सकता है, इसका ऐसे भी हो सकता है 3√7 फिर ऐसे हो सकता है कि 4√7 एंड √7 इसका मल्टीप्लाई होगा आपका ये हो जाएगा 4 × 4 मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 7 ये हो जाएगा आपका 4 7 = 28 मींस जो आपका बीच में लिखा है वो चीज क्या लिखा है आप खुद बना सकते हो यहां से 4√7 + √7 यानी यहां पे आ जाएगी 5√7 आप खुद ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो, अपने आप से क्वेश्चन बनाते रहिए ट्राई करते रहिए फिर नेक्स्ट टाइम मिला जाएगा नेक्स्ट नए क्वेश्चंस के साथ अगले एक्सपीरियंस के साथ। तब तक आप अपना एक्सपीरियंस सॉल्व कीजिए और क्वेश्चंस लगाइए, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और इस वीडियो को लाइक कर दें, थैंक यू।